अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट करनी है 7.4 की 7.5 की। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स काफ़ी इजी हैं तो उनको करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल नंबर 1 देखो पेज नंबर 247 पे। तो एक बहुत इजी एग्जांपल है कि आपके पास एक बैग है जिसके अंदर एक रेड मार्बल है, एक येलो मार्बल है, एक ब्लैक मार्बल है, सॉरी ब्लू है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल? तो टोटल तीन अगर मार्बल हैं तो तीन तरीके से आप उठा सकते हो। टोटल आउटकम तीन है, रेड को उठाने का एक ही तरीका होगा तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मार्बल की। उसके बाद एग्जांपल नंबर टू ऑन पेज नंबर, किस पेज पे है? पेज नंबर 247 पे, ठीक है। और ये एग्जांपल अभी हम कवर कर रहे हैं 7.4 की एग्जांपल है सारी, मतलब 7.4 एक्सरसाइज से पहले आपको सारी मिल जाएंगी। लिखा हुआ है एन अर्न। अच्छा ये अर्न क्या होता है यार, मैंने इसके बारे में पढ़ा था वैसे, मुझे क्या पता होगा। अर्न होता है कि एक मेटेलिक टाइप का, आप ये समझ लो कि एक हमारे पुराने घरों में ना, पुराने जमाने में एक गुलदान कहते थे, आई गेस क्या उसको कहते थे, कि मेटेलिक टाइप का होता था। उसके अंदर आमतौर पर डेकोरेशन भी रखा होता था, कभी फूल डाल दिया करते थे उसके अंदर, ऐसा पीस होता है। आप लोग गूगल पे सर्च करना, समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो एक वो है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो एक कंटेनर है, इस लैंग्वेज में आप समझ लो कि जिसके अंदर दो व्हाइट हैं और दो ब्लैक बॉल हैं। तो अब डेटा बनाओ, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है भाई? दो है। इसी तरीके से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है भाई? वो भी दो है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो बॉल ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे? सैंपल स्पेस हो जाएगा यार, कंसीडर कर लो ब्लैक, मतलब बी लिख रहा हूं मैं उसको। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने दोनों ब्लैक उठा ली, दूसरी पॉसिबिलिटी आपने ब्लैक व्हाइट कर ली, तीसरी पॉसिबिलिटी आपने व्हाइट ब्लैक कर ली, और चौथी पॉसिबिलिटी आपने व्हाइट व्हाइट कर ली। तो चार पॉसिबिलिटी है। तो सैंपल स्पेस में आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 4 है। अब जो आपको निकालना है, आप डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल आप कह दो कि लेट ए क्या है, ड्राइंग टू ब्लैक बॉल्स। जो इवेंट ए है वो क्या है? दो ब्लैक बॉल्स को ड्रॉ करना है। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहली बात, इसके अंदर कितने, मतलब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं? एक ही केस फेवर कर रहा है। अगर आप देखो तो दो ब्लैक ए की पॉसिबिलिटी में आ रही है, तो हम उसको इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितने हैं? 1 है। अब वक्त है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1 है भाई एन ऑफ ए। अगर आप फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 1/4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यार जो अभी सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा है, इसको मैं ठीक नहीं समझता। तभी मैंने सैंपल स्पेस समझाया भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है सैंपल स्पेस। मैंने अपनी पूरी शाम बर्बाद की है, शाम नहीं दोपहर से लेकर रात तक आप कह लो, सोचता रहा बैठ के मेरा सॉल्यूशन ये है, बुक वालों का ये है, क्या फर्क है इसके अंदर, मेरा ठीक है, बुक वालों का ठीक है। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा, एक टीचर अभी भी कंफ्यूज है, दूसरे टीचर जो है उन्होंने जो मुझे जवाब दिया है वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा क्यों पसंद नहीं आया मुझे, और अपना जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता दूंगा। करना पेपर में यही यार, इसलिए मैंने करवाया क्योंकि देखो पेपर मैं नहीं चेक कर रहा, ठीक है। तो कोई इतराज कर सकता है, बुक में लिखा हुआ तुमने क्यों किया हुआ, नंबर कट जाएंगे तो फिर मतलब होगा ही ना फायदा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यही करवाना पड़ा है सिस्टम को। मुझे पता है यहाँ पे जो गलत चीज होती है उसको फिर ये नहीं देखा जाता कि यार बच्चे ने ठीक किया नहीं, कहते बुक में जो लिखा हुआ वो ठीक है। बहरहाल कोई अच्छा होगा तो वो कंसीडर कर सकते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जो भी मैं बताने लगा हूं आप लोगों को। देखो सॉल्यूशन में मैं ठीक इसलिए नहीं समझता कि कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कर रहे होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे 7.3 में आप आओगे ना, तो जैसे कुछ सवाल होते हैं, जैसे आप कमेटी बना देते 20 मेल है 8 फीमेल है, तो आप कंसिडर कर देते 20 मेल डिफरेंट है, सेंस बनाती है बात, क्या 20 मेल जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे सेंस नहीं बन रही। तो फॉर एग्जांपल 7.3 क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें क्या गिवन है कि 50 बॉल्स हैं आपके पास, उसमें से दो जो पांच जो है ना वो है आई गेस ब्लैक है, हाँ तो पांच व्हाइट है और रेस्ट ब्लैक है, रेस्ट रेड है बॉल, मतलब 45 रेड है, पांच व्हाइट है 45 रेड है।
तो अब यहां पे कहीं बताया नहीं जाता कि वो बॉल्स अलग हैं या आपस में सेम है। हम क्या कंसीडर करते हैं, हम उनको अलग कंसीडर करते हैं। जब आप अच्छा इसमें से इस सवाल में ना पांच चूज करने थे आपने, तो आप लिखते किस तरीके, मतलब सवाल क्या था, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट ड्रॉन बॉल्स कंटेन एटलीस्ट वन वाइट बॉल, के एटलीस्ट वन वाइट होनी चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमने क्या लिखी थी कि पांच में से एटलीस्ट एक वाइट हो और बाकी चार क्यों टोटल पांच करनी है, तो बाकी चार रेड कर लो। इसी तरीके से 5C2 या बाकी आप तीन रेड कर लो, या ये हो जाएगा 5C3 45C2 5C4 45C1 5C5 45C0। कहने का मतलब ये है कि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते थे, ये जो एनसीआर वाला फॉर्मूला है इसमें एन डिफरेंट होता था ना, डिफरेंट चीजें गिवन है उसमें से आर आपने चूज करनी है। तो यहां पे तो किसी ने आपको नहीं बोला कि बॉस डिफरेंट है, लेकिन स्टिल आप फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दी जाती है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दी जाती है कि यार अगर हमने कंसिडर ना किया तो सवाल आपके बहुत अजीब से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि यार थोड़ा सिंप्लीफाई करते ताकि बात आप लोगों को समझ आ जाए कि पांच व्हाइट है 45 रेड बॉल है, आपने एक बॉल उठानी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी के आप पहले काउंट करते हो ना, तो पांच में से मतलब एक बॉल उठाने के कितने तरीके। अब देखो पांच व्हाइट है, पांच व्हाइट में से अगर आप कंसीडर करोगे सारी व्हाइट सेम है तो फिर उनको उठाने का एक ही तरीका होगा, आप किसी भी एक व्हाइट को उठा लो बात तो एक ही होगी। वो जब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है और आप डिफरेंस क्रिएट करना नहीं चाह रहे, आप कह रहे नहीं डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, तो व्हाइट उठाने का एक ही तरीका है और 45 रेड बॉल उठाने का भी एक तरीका है। तो ये दोनों चीजों को तो आपने बराबर कर दिया, व्हाइट बेशक जितनी कम हो रेड जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन आपके मुताबिक व्हाइट को उठाने के और रेड को उठाने के एक ही तरीके है। क्या अगर मैं बोलूं कि भाई इतनी बॉल्स टब में पड़ी है व्हाइट उठाने के कितने तरीके, आप बोलोगे एक तरीके है क्योंकि सारी व्हाइट सेम है, सब एक ही बात है और आप डिफरेंट नहीं करना चाह रहे हो। इसी तरह रेड भी सारी सेम है, बेशक रेड जितनी ज्यादा हो, आप बोलोगे रेड को उठाने का भी एक ही तरीका है। तो सवाल ही हो जाएगा यार फिर, मतलब चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो आप इसका हल क्या निकालते हो, आप ही कहते हो कि बॉल्स आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। और डिफरेंट किस तरीके समझते हो, या तो आप ये कह लो कि बॉल्स के ऊपर नंबरिंग की हुई होगी, जैसे पांच व्हाइट बॉल है इसमें पहले पे वन लिखा हो, दूसरे पे टू, तीसरे पे चौथी पांचवी, या आप इनको पोजीशन के हिसाब से डिफाइन कर लो कि जो पांच व्हाइट बॉल है इसमें से पहली पोजीशन पे जो बॉल है, दूसरी पोजीशन पे बॉल है, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, इसी तरह 45 रेड बॉल है इसमें से पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, करते करते 45। तो अब अगर मैं बोलूं आपके पास ये बॉल्स हैं और पांच व्हाइट बॉल में से अगर आपने एक उठानी है तो कितने तरीके से उठा सकते हो, तो अब आप बोलोगे पांच तरीकों से मैं उठा सकता हूं कि पहली पोजीशन से व्हाइट उठा लूं, तीसरी पोजीशन से उठा लूं, दूसरी से उठा लूं, पांचवी से उठा लूं, चौथी से उठा लूं। और अब 45 रेड बॉल, उनको उठाने के 45 तरीके होंगे अगर एक बॉल आपने उठानी है रेड। तो अब मेक सेंस कर रही है बात कि यार नहीं, रेड को उठाने के ज्यादा तरीके, व्हाइट को उठाने के कम तरीके, चीजें समझ आ रही है। और ये चीज इतनी खतरनाक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो व्हाइट को उठाने के और रेड को उठाने के तरीके तो आपने सेम काउंट किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इनकी सेम आ रही होगी, वहां फंस जाओगे आप, क्योंकि आपने फिर आप ही कैसे बोल सकते हो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कम है रेड की ज्यादा है, आप ही कैलकुलेशन के मुताबिक व्हाइट को उठाने की भी वही प्रोबेबिलिटी है, रेड को उठाने की भी प्रोबेबिलिटी है, चीजें तो फिर क्या हो जाएंगी, फिर ज्यादा अजीब सी चीजें हो जाएंगी। दैट्स व्हाई आप इनको डिफरेंट कंसीडर करते हो। इसी तरह जैसे 7.4 से पहले एग्जांपल मिलेगी, 12 अंडे उसमें से चार उठाने हैं आपने, तो अब अगेन अंडे तो सारे सेम होते हैं लेकिन आप उनको डिफरेंट कंसीडर करोगे कि पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हुए आपको आसानी होगी, तो आप डिफरेंट कंसीडर कर रहे होते हो। यही कॉन्सेप्ट आप इन बॉल्स में कंसीडर करते हो 7.3 में। इसी तरह 7.4 के ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है मार्बल वाला, उसमें भी आप अलग अलग कंसिडर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 में आप अलग कंसिडर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें अलग, 6 खराब बल्ब है लेकिन खराब में भी आप अलग डिफरेंशिएट करोगे, ये पहला खराब बल है, दूसरा खराब है, तीसरा खराब है, ठीक है। इसी तरह करते करते मैं 12 एग्जाम्पल देने लगा, क्योंकि 12 जो है वो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है कि 12 में भी आप ये कंसिडर करोगे। 12 में अगर आप देखो 5 ब्लैक है, 4 व्हाइट है और आपको बोला आपने तीन चूज करनी है, पार्ट वन में लेके आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों की तीनों ब्लैक हो, तो आपने यहां पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी, आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, आपने लिखा था 5 ब्लैक है, 4 व्हाइट है, टोटल 9 बॉल्स है, 9 में से 3 उठाने के कितने तरीके, 9C3। वहां पे तो आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया कि भाई 5 सेम व्हाइट है, 5 सेम ब्लैक है, 4 सेम व्हाइट है, तो इनको उठाने के दो ही तरीके हैं, या कुछ भी आपने वो वाली चीज नहीं लगाई, आपने नॉर्मल कॉम्बिनेशन की तरह इनको सॉल्व किया, इन सब बॉलों को अलग कंसीडर किया कि 5 जो ब्लैक है वो पहली ब्लैक, दूसरी ब्लैक, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह 4 व्हाइट जो है पहली व्हाइट, दूसरी, तीसरी, चौथी व्हाइट, 9 चीजें कंसिडर करके 9 में से 3 चूज करने कितने तरीके, 9C3। फिर 3 ब्लैक चूज करने कितने तरीके, 5 ब्लैक है, 5 में से 3 चूज करने कितने तरीके होंगे, 5C3।
तो यही काम आप इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं कर रहे हैं? इख्तलाफ मेरा ये है, इस एग्जाम्पल में अभी क्यों फॉर्मूला लगा रहे कि भाई आपके पास दो व्हाइट है दो ब्लैक है, एग्जैक्ट वही तो क्वेश्चन है, दो व्हाइट और दो ब्लैक, आपको क्या बोला भाई आपने दो चूज करनी है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली कि दोनों ब्लैक हो, तो ये तो काम करोगे चार बॉल है चार में से दो चूज करनी है, डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, दो ब्लैक है दो ब्लैक में से दो चूज करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इसका आंसर 1/6 होना चाहिए जबकि बुक ने इसका आंसर 1/4 निकाला है और मैंने पूरी आपको रीजन बताई भी है इस सवाल को सॉल्व करके बताया कि यार एग्जैक्टली वही सवाल है बस वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज है, तो ये करेक्ट इसका सॉल्यूशन है 1/6। अब सवाल ये कि जब मैंने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने मुझे जवाब ही दिया कि भाई आप इसको क्वाइंस की तरह सॉल्व करो। क्या मतलब क्वाइंस की तरह? कि जैसे क्वाइंस में होता है ना हेड या टेल आता है तो आप क्या कहते हो, हेड टेल या हेड हेड, फिर टेल हेड टेल टेल, आप उस तरह सॉल्व करो कि जैसे दो हेड है दो टेल है आप क्या कर रहे होते हो चार आउटकम लिखते हो ना, इसी तरह दो ब्लैक है दो व्हाइट है चार आउटकम लिखते हो। तो मेरा आगे से जवाब ये है कि ये हेड इन चीजों को क्वाइंस से आपने क्यों कंपेयर करना है, लाइक क्वाइंस की चीजें ही तो पूरी अलग है, आपने कभी इन एग्जाम्पल्स में पांच ब्लैक चार व्हाइट इसको कभी क्वाइंस के पास करीब भी लेके गए हो? नहीं लेके गए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो व्हाइट दो ब्लैक हो जाएंगे आप इसको क्वाइंस करोगे, और इवन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीन ब्लैक कर दूं तो उन सर ने कहा कि आप ये वाला यूज करोगे, मैंने कहा एक ब्लैक बढ़ाने से आप क्वाइंस से निकल जाओगे, आप क्यों क्वाइंस से क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वाइंस में दो हेड दो टेल होते हैं तो उससे कंपेयर आप कर रहे हो, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाती इस बात की, कॉइन से आप क्यों कंपेयर करोगे, कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट ही अलग है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, दूसरे कॉइन को टॉस किया हेड आ जाएगा टेल आ जाएगा, वहां अलग ट्री डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे होते हो, जबकि यहां पे अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो यहां पे तो चीज ही अलग है पूरी है, यहां पे तो कॉन्सेप्ट ही आप डिस्कस नहीं कर रहे, यहां तो बॉलों को उठा रहे हो, कितने तरीके से आप बॉलों को उठा सकते हो, ये चीज कॉइन से कैसे कंपेयर हो सकती है, दोनों चीजें ही अलग है। तो दैट्स व्हाई जो असल सॉल्यूशन है 1/6 है, जबकि बुक वालों ने जो चार सॉल्यूशन चार जो लिखे हुए ना सेंट्रल स्पेस में वो एग्जैक्ट कॉइन से उन्होंने लिखे हैं, जैसे कॉइन में होता था वैसे उन्होंने लिखे हैं। तो सॉल्यूशन देखो मैं ये नहीं देखता कि जो बुक में सॉल्यूशन लिखा हुआ उसको मैं जस्टिफाई करूंगा आंसर कहां से आया, भाई जो मेथड आप हर जगह यूज कर रहे हो वो यहां पे क्यों नहीं यूज कर रहे, आपको यहां पे भी आप यूज करोगे सेम कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 अगर आप देखो पेज नंबर 248 पे तो लिखा हुआ है टू कॉइंस आर टॉस टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यार हमने तीन कॉइन वाला देखा हुआ है 7.4 के अंदर तो इतना कोई मसला नहीं है, चार ही इसका सैंपल स्पेस है चार ही आउटकम है इसके अंदर और लिखा हुआ है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड हो ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, तो अगर आप सैंपल स्पेस में देखो ना तो तीन आउटकम इसको फेवर कर रहे हैं क्योंकि एक ही आउटकम है टेल टेल जिसमें हेड नहीं आ रहा, बाकी सब में एटलीस्ट एक हेड तो मौजूद ही है, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 भी वैसे इजी है लेकिन थोड़ा सा मसला हो सकता है वर्डिंग में, तो जरा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 248 लिखा हुआ क्या है, इफ देयर आर थ्री चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन है भाई, तीन चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक काम करो प्रोबेबिलिटी पूछने से पहले आप सेंट्रल स्पेस बना दो, भाई अगर तीन चिल्ड्रन है ना तो हम उसकी पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं पहले, ठीक है तीन चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पहला बॉय हो, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, पहला बॉय हो दूसरा भी बॉय हो तीसरा भी बॉय हो, अच्छा पहला बॉय दूसरा भी बॉय तीसरा गर्ल, अच्छा पहला बॉय दूसरी गर्ल तीसरा बॉय गर्ल बॉय बॉय चार तो ही हो गए, अच्छा फिर अब देखो ये बिल्कुल कॉइन प्रॉब्लम बन गया आपका। कॉइन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कॉइन आपने टॉस किया हेड आया टेल आया, अब ये वही बात है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जब आपका होगा तो या तो वो मर्द होगा या तो बॉय होगा या गर्ल होगी, फिर जब दूसरी दफा होगा माशाल्लाह तो बॉय गर्ल, फिर तीसरी दफा अल्हम्दुलिल्लाह तो बॉय या गर्ल, तो बिल्कुल एक कॉइन प्रॉब्लम की तरह ना इसके वो क्या कहते हैं आउटकम्स आ रहे हैं सारे के सारे। तो इसी तरीके से गर्ल गर्ल माशाल्लाह बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इसी तरीके से बॉय गर्ल गर्ल, तो ये कितने हो गए सात हो गए, और आखिरी गर्ल 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तीन रहमतें अता फरमाई हैं आखिरी आउटकम में, अच्छी तरीके से तरबियत कर ले तो इंशाल्लाह जन्नत मिल जाएगी उसको। बहरहाल तो ये आपका आउटकम है, अब इस आउटकम नंबर ऑफ कितने आउटकम है इसके अंदर, टोटल आठ आउटकम है। अब जरा पार्ट वन पे आ जाओ, पार्ट वन में बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द थर्ड चाइल्ड इज अ गर्ल, द थर्ड चाइल्ड
इज अ गर्ल। देखते हैं सबसे पहली बात, इस इवेंट को कितने केयर शेयर कर रहे हैं। तीसरी बच्ची गर्ल होनी चाहिए। आप देख लो किस पॉसिबिलिटी में तीसरी, इसमें गर्ल है, इसमें गर्ल है, इसमें गर्ल है, इसमें गर्ल है। तो सबसे पहले बी बी जी, अच्छा जी जी बी जी, फिर बी जी जी, फिर जी जी जी। जस्ट लाइक कि तीसरी दफा जब आप कॉइन टॉस करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी आपके पास टेल आए, फॉर एग्जांपल, तो आपको चार पॉसिबिलिटी मिलेंगे जिसमें आखिर में टेल आ रहा होगा। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। तो इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं बच्चों? इस इवेंट को चार केस फेवर कर रहे हैं। तो वक्त आया है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 मतलब 50% चांस है कि जो थर्ड चाइल्ड है वो गर्ल होगी। और ये सेंस भी बनाती है बात, क्यों सेंस बनाती है? फॉर एग्जांपल आप पहली दफा कॉइन टॉस करते हो, क्या प्रोबेबिलिटी हेड है? 0.5, हाफ है। क्या प्रोबेबिलिटी टेल है? हाफ है। दूसरी दफा जब कॉइन टॉस करोगे तब भी तो हाफ हाफ है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट से फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कि पहले क्या आया था बाद में क्या आया था। जब भी आप कॉइन टॉस करोगे चांसेस 50-50% ही है। तीसरा क्या, छठा भी अटेम्प्ट हो तो उसमें भी गर्ल आने की चांसेस 50% ही होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको जरा फॉलो करो। पार्ट नंबर टू में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द टू चिल्ड्रन आर बॉयज एंड वन चाइल्ड इज अ गर्ल। अब आप ऐसे आउटकम देखो जिसमें दो बॉयज हैं और एक गर्ल है। अब ऐसे आउटकम आपने ढूंढने, यहां पे कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले मैं बॉय हो, ऐसा कुछ नहीं, बस दो बॉयज एक गर्ल। तो ये वाला आउटकम, ये वाला आउटकम, ये वाला आउटकम, बस तीन आउटकम ऐसे हैं कि जिसमें दो बॉयज हैं और एक गर्ल है। और इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं बच्चों? तीन केस फेवर कर रहे हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा है? इफ अ डाई इज अ रोल ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्ट 7.4 का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक काम करो, उसमें तो काफी पार्ट थे, दो ही पार्ट है। पहला पार्ट लिखा हुआ सम ऑफ पॉइंट्स इज 7। आप ऐसे आउटकम ढूंढो जिसमें सम 7 आ रहा हो। तो पहली रॉ में 1 और 6, ये जो आउटकम है ना 1.6, इसका सम 7 आ रहा होगा। दूसरी में 2.5, तीसरी में 3.4, चौथी में 4.3, पांचवी में 5.2, छठी में 6.1। तो ये वो आउटकम है जिनमें सम जो है वो 7 आ रहा होता है। 6 आउटकम फेवर कर रहे हैं इसको, तो 6/36 1/6 हो जाएगा। दूसरा आउटकम है देयर इज एटलीस्ट 1/6, कि कम से कम एक 6 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2/6 भी हो सकते हैं। तो ऐसे आउटकम ढूंढो जिसमें कम से कम एक 6 मौजूद हो। दोनों 6 का मतलब कि दोनों जो आपने डाई फेंके हैं, अच्छा यहां पे एक डाई को दो दफा रोल किया, एक ही बात होती है, दो को एक साथ फेंक दो, एक को दो दफा कर दो। तो यहां पे जो आपने पहली दफा डाई रोल किया, दूसरी दफा डाई रोल किया, तो एटलीस्ट एक 6 आना चाहिए, ज्यादा से 2/6 भी आ सकते हैं। तो अब ऐसे आउटकम ढूंढो जिसमें एटलीस्ट एक 6 आपको नजर आ रहा है या 2/6 भी आ रहे हो। तो ये जो आखिरी रॉ है इसको आप देखो और आखिरी कॉलम को देखो। अगर आप आखिरी कॉलम को, मतलब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं, ये बल्कि बुक वर्ल्ड ने किया है, तो आप आखिरी कॉलम को देखो सब में एक 6 आ रहा है, और आप आखिरी रॉ को देखो सब में एक 6 आ रहा है, और ये रॉ और कॉलम जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां पे 2/6 आ रहा है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि एटलीस्ट एक 6 हो, ज्यादा ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकता, ऑब्वियसली 2 दफा रोल कर रहे हो। तो अगर आप देखो शुरू में 6 केसेस हैं, सॉरी जो आखिरी रॉ है इसके अंदर 6 केसेस हैं, और जो कॉलम है इसके अंदर 5 केसेस, क्योंकि 6.6 आपने आखिरी रॉ में कंसिडर कर ली है। तो टोटल 11 आपको यहां पे केसेस मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट एक 6 आ रहा होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11/36। इसी तरह बच्चों एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी हमने एग्जैक्ट सॉल्व की हुई है। मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन था इस टाइप का, वो मेरे ख्याल में चप्पलों का था, पेज नंबर 249। तो ये आपको मिल जाएगा 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4, वहां पेयर ऑफ शूज थे, यहां पेयर ऑफ ग्लव्स है। चलो मैं एक पार्ट डिफरेंट है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 3 pairs of gloves आर इन अ ड्रॉअर। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स के भाई कितने पेयर्स हैं भाई? यहां पे टोटल 3 पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ ग्लव्स फॉर राइट हैंड, राइट हैंड के लिए कितने ग्लव्स होंगे? क्योंकि देखो
ग्लव्स टोटल पेयर इनके तीन है लेकिन टोटल ग्लव्स कितने होंगे, चलो ये भी मेंशन कर लो कि चलो इस पहले पॉइंट को लिखो ना लिखो ये वाला पॉइंट लाजमी लिख देना कि टोटल ग्लव्स कितने हैं। तीन पेयर है तो बच्चों टोटल ग्लव्स ही होंगे क्योंकि पेयर का मतलब दो होते हैं ना, तो तीन पेयर है छह ग्लव्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको लिख दो। बाकी पहली वाली लाइन ना लिखो, ये वाले जो लिखी हुई है छोड़ दो इसको। नंबर ऑफ ग्लव्स फॉर राइट हैंड तीन है, इसी तरह नंबर ऑफ ग्लव्स फॉर लेफ्ट हैंड भी कितने हैं, थ्री है। इफ टू ग्लव्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, टू ग्लव्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, दो ग्लव्स को आपने सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले तो बच्चों सैंपल स्पेस लिखोगे इसके अंदर, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वन टू थ्री नाम देना पड़ेगा। अच्छा अगेन इसमें कंसिडर ये करो कि ग्लव्स डिफरेंट है, कोई लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इसमें कंसिडर ये करोगे ग्लव्स डिफरेंट करके, या अगर आइडेंटिकल ग्लव्स हैं तो आप उनको फॉर एग्जाम्पल नाम दे दो, ग्लव वन, ग्लव वन के पेयर को नाम दे दो फॉर एग्जाम्पल ग्लव वन ग्लव टू, फिर लिख दो ग्लव थ्री ग्लव फोर ग्लव फाइव ग्लव सिक्स, इस तरह आप कर दो। वन टू वाले सेम पेयर के हैं, थ्री फोर वाले सेम के हैं, फाइव सिक्स वाले सेम पेयर है पूरा, तो कंसीडर कर लो छह ग्लव्स है यहां पे, आपको सिलेक्ट कितने करने, दो सिलेक्ट करने हैं, तो छह में से दो सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, सी सिक्स टू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, तो जगह सिक्स मल्टीप्लाई फाइव थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन। तो बच्चों सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, छह ग्लव्स में से दो को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, पंद्रह तरीके हैं। अच्छा अब आ जाओ पार्ट वन पे, पार्ट वन में क्या बोला हुआ है, दे विल बी अ मैच पेयर, दे विल बी अ मैच्ड पेयर, ठीक है। अच्छा जी तो फॉर एग्जाम्पल इसको ए कह देते हैं, और इवेंट ए लिस्ट आप करोगे नहीं तो डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस इवेंट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब मैच्ड पेयर कितने होंगे यहां पे, देखो बच्चों ये जो छह ग्लव्स हैं इसमें से पंद्रह आउटकम कौन कौन से होंगे, मैं लिस्ट कर देता हूं ताकि बात आपको समझ आ जाएगी। ए वन ए टू, इसी तरह बी वन बी टू सी वन सी टू, तो भाई ये पेयर, पहला पेयर ए वाला है, ए वन कंसिडर कर लो लेफ्ट हैंड के लिए, ए टू कंसिडर कर लो राइट हैंड के लिए, इसी तरह दूसरा पेयर बी वाला है, बी वन लेफ्ट हैंड के लिए बी टू राइट हैंड के लिए, इसी तरह सी वन लेफ्ट के लिए सी टू राइट के लिए। अब लिस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही लेट कर रहे हो इसके अंदर, वैसे आप समझ लो रफ वर्क में कर लो तो काफी है आपके लिए। कि अगर आप इसके अंदर देखो ये छह है, छह में से अगर आपने दो सिलेक्ट करने तो पंद्रह तरीके होते हैं, मैं जल्दी से पंद्रह तरीके मेंशन कर देता हूं। तो बच्चों ये पंद्रह आउटकम आपके सामने लिखे हुए, पांच चार नौ तीन बारह, बारह और तीन पंद्रह आउटकम आपके सामने लिखे हुए। अब सबसे पहले अभी अगर आप बना लोगे तो आपका सवाल बच्चों वाला होगा बिल्कुल। सबसे पहला पार्ट था कि दे विल बी मैच पेयर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सबसे पहले आप देखो कितने आउटकम में जो पेयर है वो मैच कर रहा है। मैच पेयर का कैसे पता चलेगा, सेम ए बी सी ये मैच पेयर होंगे ना, तो आप देखो ये पहला मैच पेयर है। अच्छा दूसरा मैच पेयर कहां पे नजर आ रहा है, ये वाला, ये दूसरा मैच पेयर है और तीसरा गए यहां पे। इन पंद्रह आउटकम में तीन ही ऐसे आउटकम आपको नजर आ रहे हैं जिसमें जो सेम ग्लव सेम पेयर है ना वो आ रहा है, बाकी सब में डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर तीन है, सही है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये हो जाएगा 3/15, सॉल्व करो 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हो गया बच्चों आप लोगों का पार्ट वन। पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, पार्ट टू यहां पे करवाते हैं। पार्ट टू में लिखा हुआ है दे विल बी फॉर द सेम हेड, दे विल बी फॉर द सेम हैंड। अब इसको आप किस तरह करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको बी का नाम देते हैं, तो इस इवेंट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली सवाल हमने उसमें 7.4 में भी किया था। अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे जो सेम हैंड के, मतलब लेफ्ट के हो या राइट के हो, अब देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो दो पिक किए ना वो सेम हैंड के हो, अब वो सेम लेफ्ट हैंड के भी हो सकते हैं, वो सेम राइट हैंड के भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप यहां पे ऐड करोगे, सबसे पहली चीज लेफ्ट हैंड का डिस्कस करो पहले, फिर राइट हैंड का डिस्कस करो, ऐड करो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सबसे पहली बात कि इन पंद्रह में से जो पंद्रह आउटकम है इसमें से ऐसे कितने आउटकम है जिसमें सेम हैंड के आपके पास आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट की अगर आप बात करो तो लेफ्ट में वन वन होगा सब, तो ये वन वन वाला है। अच्छा इसी तरह ये वन वन आपको नजर आ रहा है, इसी तरह ये वन वन है, इसी तरह और वन वन का कहां नजर आ रहा है आपको, बस ये आपको कितने तीन नजर आ रहे हैं। तो अब ये तीन आप यहां पे तीन लिखने से बेहतर है कैलकुलेशन करके दिखाओ। कैलकुलेशन कैसे होगी,
कि भाई यहां पे तीन लेफ्ट हैंड वाले, ठीक है, तीन में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं भाई सेम हैंड के लिए, दो लेफ्ट हैंड के आ देंगे फॉर एग्जांपल। अब वो दो लेफ्ट हैंड के मे बी ए वन बी वन वाले हो, ए वन सी वन वाले हो, बी वन सी वन वाले हो, लेकिन टोटल आपके पास लेफ्ट हैंड तीन है, तीन लेफ्ट हैंड के ग्लव्स हैं, उसमें से आपको दो सेलेक्ट करने, दो के पेयर बना रहे ना आप, तो तीन में से दो सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, थ्री सी टू, टोटल थ्री लेफ्ट है और एट अ टाइम आपने कितने सेलेक्ट करने थे, दो सेलेक्ट करने थे, थ्री सी टू, थ्री सी टू क्या होता है, थ्री के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करो राइट के भी कितने हैं, राइट के भी तीन है, तो अगेन तीन राइट है, उसमें से एट अ टाइम कितने सेलेक्ट करने हैं, तीन सेलेक्ट करने, अगेन थ्री सी टू, और आप यहां देख भी सकते हो जिसमें टू टू नंबर हो, तो ये टू टू वाला ये है, एक टू टू वाला ये है और एक टू टू वाला होना चाहिए, कहां पे होगा, मैंने यहां पे बी टू सी वन, बी टू सी वन कर दिया, बी टू सी टू होगा, तो ये तीन आपको राइट हैंड वाले भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो थ्री सी टू यहां पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री जो कि बराबर होता है सिक्स। तो इस इवेंट को छह तरीके, पंद्रह आउटकम में से छह आउटकम ऐसे हैं जिसमें आपके पास जो दो ग्लव्स आ रहे हैं वो सेम हैंड के, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये हो जाएगा 6/15 जो कि बराबर होता है 2/5 के। और आगे लिखा हुआ है वन विल बी फॉर द लेफ्ट हैंड एंड द अदर फॉर द राइट हैंड, पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है वन विल बी फॉर लेफ्ट हैंड एंड वन एंड द अदर फॉर द राइट हैंड। फॉर एग्जाम्पल इस इवेंट, मतलब कहने का मतलब ये कि जो आपने 15 में से दो सेलेक्ट किए ना, 15 में से नहीं टोटल 6 ग्लव्स में से दो सेलेक्ट किए, 15 आउटकम है, इसमें से ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसमें आपके पास एक ग्लव जो है वो एक हैंड के लिए, दूसरा ग्लव जो है वो दूसरे हैंड के लिए है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आप पहली प्लेस को रखो लेफ्ट हैंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल कितने आपके पास जूते हैं, सॉरी कितने ग्लव्स हैं, तीन ग्लव्स हैं लेफ्ट हैंड के, तो एट अ टाइम कितने सेलेक्ट करने, दो सेलेक्ट करने, थ्री सी टू। फॉर एग्जाम्पल दूसरी जगह को रखो राइट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए भी थ्री सी टू। इधर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इधर आपने ऐड किया था, क्यों ऐड किया था, क्योंकि आप कंसीडर कर रहे थे दो केसेस जिसमें आपने दोनों लेफ्ट हैंड के उठाए, दोनों राइट हैंड के उठाए, ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते थे, आपने ऐड किया, जबकि ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे, क्यों इवेंट ये एक साथ होंगे, वजह ये है कि एक हाथ में लेफ्ट हो एक हाथ में राइट हो, ये दोनों काम एक साथ होंगे, कि आपने एक लेफ्ट वाला उठा लिया एक राइट वाला उठा लिया, तो क्या करोगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, थ्री इंटू थ्री ये हो जाएगा नाइन, तो नाइन ऐसे केस है जो आपको नजर भी आ रहे हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक लेफ्ट एक राइट, मतलब वन टू देखो आप कहीं पे, वन का मतलब लेफ्ट होता है, टू का मतलब राइट होता है, तो एक ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस करते हैं, एक ये हो जाएगा, दो तीन चार पांच छ और छ, नहीं छह नहीं होंगे और भी मिस हो गए, ये रहा ना, ये माना जाएगा, सॉरी मैंने मिस कर दिया सात, क्योंकि ये सेम हैंड के लेकिन है तो लेफ्ट और राइट के ना, वन टू, तो सात, इसी तरह आठ, इसी तरह नौ, तो नौ ऐसे केस है यहां पे जिसमें एक लेफ्ट हैंड वाला है एक राइट हैंड वाला है, ठीक है, बेशक वो सेम पेयर के ना हो, फॉर एग्जाम्पल ए वन बी टू, इसमें ए वन जो है वो लेफ्ट हैंड का है, बी टू राइट हैंड का है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए वन एक अलग ग्लव है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो तीन ग्लव है, एक रेड है एक येलो है एक ब्लू है, ए का मतलब रेड है बी का मतलब येलो है, वो तो ये ए वन जो है ये रेड होगा लेफ्ट हैंड का रेड है, जबकि बी जो है वो येलो है लेकिन वो राइट हैंड का, तो है दोनों अलग लेकिन कंडीशन मैच हो रही है कि एक लेफ्ट का एक राइट का, कंडीशन आपने मैच करनी है, ठीक है, तो नौ हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 9/15, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट के होने की 3/5, और सारे आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, सवाल बच्चो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर फोर भी देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल नंबर फोर है, पेज नंबर उसका है 248, कैसे पॉसिबल है 249 मैंने पहले करवाया है और ये 248 है, 247 है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेज नंबर 248,
ठीक है, और इस पे आप नहीं सॉरी 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 इसका पे ठीक है, मैं पीछे चला गया था, पेज नंबर 250 है भाई, हो जाता है यार यहां पे ध्यान लगा होता है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन किसी तरह सही हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो, वो ठीक करने वाला बच्चा नहीं बैठा हुआ सामने। अच्छा, लिखा हुआ था लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, एक वर्ड लिखा हुआ है, आर स्क्रैम्बल्ड एंड देन अरेंज इन सम ऑर्डर, के अलग अलग आपने किया लेटर्स को सबको, फिर आप अरेंज कर रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फोर आईज आर कंसेक्यूटिव लेटर्स इन द रिजल्टिंग अरेंजमेंट, कि आपको बोल रहे हैं कि आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है इस अरेंजमेंट की, कि जिस अरेंजमेंट में चार आई जो है वो एक साथ आ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढोगे ना कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसमें चार आई एक साथ आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल अरेंजमेंट कितनी है यहां पे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वर्ड क्या गिवन है आपको, मिस सी सी पी, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो टोटल अरेंजमेंट कितनी है इसकी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहां पे, भाई नंबर ऑफ लेटर्स हैं तीन तीन तीन, तो ये 10 लेटर्स हैं यहां पे, सॉरी 11 लेटर्स हैं यहां पे। अच्छा, नंबर ऑफ आईज, आईज कितने हैं यहां पे, चार आईज हैं। नंबर ऑफ एन तो एक ही है, नंबर ऑफ एस, एस यहां पे कितने हैं, वो भी चार हैं। नंबर ऑफ पीस, पीस कितने यहां पे, दो पीस हैं। तो अब यहां पे सबसे पहले आप निकालो सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं टोटल अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट बहुत इसी तरीके से होगी, ये समझ लो आप सैंपल स्पेस है ना, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है कि वर्ड्स को, जो वर्ड लिखा हुआ है इसके लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज इस वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये सैंपल स्पेस है इसका यहाँ पे। तो किस तरीके से निकालोगे, 11 फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी का जो रूल 2 मैंने पढ़ाया था वो लगाओगे, कि 11 चीजों को अरेंज करने के 11 फैक्टोरियल तरीके, लेकिन कुछ चीजें सेम है, फॉर एग्जाम्पल चार आई सेम है, चार एस सेम है और दो पी सेम है, तो बुक वालों ने निकाला होगा, मुझसे फायदा उठाते हैं। आप लोग पेपर में डायरेक्ट निकाल लेना, मतलब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है भाई कितने, अच्छा इन्होंने आंसर ही निकाला, मैंने ऐसे छोड़ दिए। अच्छा ये भी कर सकते हो, ये भी शॉर्टकट है, उन्होंने यहाँ पे आंसर नहीं निकाला, एंड पे दूसरी चीज का भी आंसर नहीं निकाला, डायरेक्ट ही इनका आंसर निकाल दिया, तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप पसंद वाला तरीका यही कि यार आप सॉल्व कर लो तो बेहतर है, इतना टाइम बचा के क्या करोगे। तो ये हो जाएगा 4, ये मुझे पता है ना 4 फैक्टोरियल 24 होता है, फिर 24 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बच्चों आंसर आ रहा है 34650, तो आपके सैंपल स्पेस में इतने आउटकम है। अब जो आपका इवेंट है, लेट ए एक इवेंट करते हैं जिसमें 4 आईज आर टुगेदर, या भी कह लो सिंपल ये भी लिख सकते हो कि आईज आर टुगेदर, ये इवेंट जो है, ये इवेंट ऐसे वर्ड्स हैं, आप पूरा कंप्लीट लिखना चाह रहे हो तो लिख दो कि ऐसा इवेंट है कि जिसमें वर्ड्स जो है, ऑल वर्ड्स जिसमें आईज आर टुगेदर, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाह रहे हो लिख दो, आसानी से समझाने के लिए। आप इस इवेंट के आप टोटल आउटकम निकालो, कितने केस फेवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप चार आई एक साथ होना चाहिए, मतलब ऐसी अरेंजमेंट जिसमें चार आई एक साथ है, अभी कैसे निकालोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर करके दिखा देता हूं आप लोगों को, आपने क्या किया, आपने चार आई को एक साथ कर दिया, ये चार आई मैंने एक साथ कर दिया और इनका ग्रुप बना दिया, ये एक माना जाएगा, पूरा ग्रुप बना के ना एक मैंने अकाउंट कर लिया, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। तो बाकी लेटर्स जो बचे हैं उनको जरा लिखते हैं, तो और आपके पास क्या बचा है, एन बचा है, चार ऐसे हैं यहां पे, दो पी हैं, तो ये 6, 7, 11 हो गए पूरे, ये असल में आपके पास है। तो आपने अरेंज इस तरीके से करना है कि जो आई है ना ये हर जगह एक साथ रहे, आई हमेशा एक साथ रहे, ये आपने परमुटेशन में बहुत ऐसे सवाल किए कि आई हमेशा, बेशक ये एम के बाद चला जाए पूरा ग्रुप, ये ग्रुप आगे पीछे लेटर्स आपस में सब अरेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ये सारे आई एक साथ होने चाहिए, बेशक स्टार्ट में आ रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, लेकिन चारों आई जो है वो एक साथ होने चाहिए। तो आप कितनी पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेंगी, देखो बाकी जो है ये है, अगर आप ऑब्जर्व करो 5-7 है और एक आपने ग्रुप कंसिडर कर लिया, तो ये टोटल 8 है। अब 8 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 8 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ इसमें से सेम है, फॉर एग्जाम्पल 4 एस सेम है तो 4 फैक्टोरियल, 2 पी सेम है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हम कंसीडर करते थे कि ग्रुप को भी अंदर हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सभी आए हैं, इनको अरेंज करना कोई फायदा नहीं है, सारी अरेंजमेंट एक ही मानी जाएगी, तो यहां पे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं हम, और इसका आंसर हो जाएगा नीचे एक हम 24 खा जाते हैं और ऊपर हम 8 डाल देते हैं, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 840। तो वक्त है प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 34650। अच्छा जी 34650, तो बच्चों आंसर आ रहा है 4/165। ये प्रोबेबिलिटी यहां पे आ रही है, फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 2.42% है यहां पे, मतलब 2.4% चांस है कि आपके पास जो वर्ड्स होंगे ना उसमें चार आई एक साथ आ रहे होंगे, बहुत ही कम ऑब्वियसली इसमें परसेंटेज है। तो खैर ये सवाल था पूरा। उसके बाद आखिरी एग्जांपल है और ये है एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है ऑन पेज नंबर 250, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ ऑफ 12 एग्स इन अ रेफ्रिजरेटर, आपके फ्रिज में 12 एग्स हैं, दो टू आर बैड, खराब है अंडे फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिखो भाई नंबर ऑफ एग्स कितने एग्स हैं भाई, 12 एग्स हैं, नंबर ऑफ बैड एग्स हो जाएंगे दो, तो इसका मतलब बाकी जो है वो गुड है, ठीक है सारे के सारे। नंबर ऑफ गुड एग्स कितने हैं भाई, 10 है। अच्छा जी फ्रॉम दीज 4 एग्स आर चूजन एट रैंडम, 4 एग्स आर चूजन एट रैंडम, रैंडमली आपने चूज किया, कोई खास जहन बना के आपने चूज नहीं किया कि पहले को उठाना है किसी और को उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 एग इज बैड, एग्जैक्टली ये काम करते हैं, पहले आप इसका सैंपल स्पेस लिख दो। अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे किस तरह लिखोगे भाई, देखो यहां पे आपके पास टोटल 12 अंडे, 12 में से आपने 4 चूज करने हैं, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें ऊपर आएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 24। तो बच्चों 495 तरीके हैं 12 एग में से 4 को उठाने के, एग्जैक्टली 1 एग इज बैड पहला बात है, तो एग्जैक्टली 1 एग इज बैड कि एग्जैक्टली 1 एग जो है वो बैड है। अब इस इवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे, एक एग बैड है तो दो टोटल बैड एग है, दो बैड एग है ना टोटल, तो दो में से एक आने के कितने तरीके हैं, दो तरीके होंगे 2C1, और जो टोटल आपको 4 चूज करने थे ना, 4 में से उन्होंने बोला है कि एक बैड है तो बाकी 3 क्या होंगे, 3 गुड होंगे, तो टोटल 10 गुड है, उसमें से 3 चूज करने के कितने तरीके होंगे 10C3, और आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको 4 एक साथ चूज करना है, तो दैट्स व्हाई एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर लिखा होता ना एटलीस्ट 1 एग इज बैड, तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करते हैं कि यार 2 बैड भी हो सकते हैं, मतलब 2C2 और फिर 10C2, ये भी केस डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर बी केस डिस्कस करोगे 10C3 क्या होता है बच्चों, 10C3 होता है 120, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 240, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 495, 240 डिवाइडेड बाय 495, तो बच्चों आंसर इसका आ रहा है 16/33 प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट 50% चांस है कि आपके पास एक बैड हो और बाकी 3 गुड हो, दिखने में भी लग रहा है ना 2 बैड है तो बैड आने के चांसेस बहुत ही कम है, गुड आने के चांसेस ज्यादा होंगे। खैर ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा आखिरी पार्ट क्या था, एटलीस्ट 1, अच्छा ये तो मैंने पहले समझा दी है, एटलीस्ट 1 एग इज बैड, अब इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी, एटलीस्ट 1 एग इज बैड, मतलब एक कम से कम एक अंडा बैड होगा, ज्यादा ज्यादा 2 अंडे भी बैड हो सकते हैं क्योंकि 3 अंडे तो है नहीं, मैक्सिमम केस क्या होगा 2 अंडे बैड आ जाएंगे, तो इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे होंगे, पहली बार 2C1 या तो एक अंडा बैड होगा प्लस, अब प्लस क्यों कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 अंडे बैड हो और एक अंडे बैड हो, एक अंडा गलत मतलब खराब हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो एक अंडा खराब होगा या 2 अंडे खराब होंगे, ठीक है, तो टोटल 4 आपने चूज कर लिए थे, यहां पे एक बैड 3 गुड, यहां पे 2 बैड तो 2 गुड हो जाएंगे, तो खैर ये तो 240 होता है,
हम जरा देखते हैं कि टेन सी टू क्या होता है। टेन सी टू वैसे भी आप निकाल सकते हो, हाँ 45 आ रहा है, 45 को 1 से करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 240 में ऐड करो तो बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा 285 नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 285 को आप डिवाइड कर दो 495 से, तो बच्चों यहां पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 19/33। तो ये चीज होने के ज्यादा चांसेस है, काफी चीजों को कवर कर रहा है ना, दो इवेंट्स को कवर कर रहे हैं यहां पे कि एक अंडा, बहुत चांसेस ऐसे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 50% ज्यादा चांसेस है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 55-60% चांसेस है कि आपके पास या तो एक अंडा खराब होगा या दो अंडे खराब होंगे। बाकी केसेस में क्या होगा, कोई भी अंडा खराब नहीं होगा, सारे गुड होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 गुड है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 में सारी 4 गुड हो, तो 10C4 वो इवेंट होगा जिसमें सारी गुड होंगे। तो खैर ये भी आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये केस उन्होंने गिवन नहीं किया होता। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.5 की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।